इस धरती पर न जाने कितने प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इनमें से कुछ फूलों के लिए, कुछ बीज के लिए, कुछ पत्तों के लिए, तो वही कुछ फूलों के लिए फेमस होते हैं। जब बात फूलों की हो ही रही है, तो फिर चलिए आपको एक ऐसे फूल के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताते हैं जो फूल पूरी दुनिया में फेमस है। जो फूल प्रेम कहानी, शेरो शायरी से लेकर गीत तक और मंदिर से लेकर मस्जिद तक हर जगह मौजूद होता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करते हैं। रोज, जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाब के फूल के बारे में, जिसे इंग्लिश में रोज के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि गुलाब का फूल नॉर्मल फ्लावर से कहीं ज्यादा अलग और पॉपुलर होता है। दुनिया के चाहे जिस हिस्से में भी जाओ, चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारो, इसकी पॉपुलैरिटी कम नहीं होती। चाहे इसकी खुशबू की बात करें या इसकी सुंदरता की, हर मामले में ये लोगों का दिल जीत ही लेता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फूल नहीं होता बल्कि इसके साथ कई सारे इमोशंस भी जुड़े होते हैं। प्रेम का मामला हो या डेकोरेशन का, किसी के स्वागत में इस्तेमाल हो या भगवान के सजदे में, हर जगह इसकी अपनी अलग ही इम्पोर्टेंस है। यही वजह है कि दुनिया भर में इस फूल की डिमांड काफी ज्यादा है। मैरिज सेरेमनी से लेकर नॉर्मल फंक्शंस में भी जमकर इसका इस्तेमाल होता है। आखिर इस रंग बिरंगे और खुशबूदार फूल से कौन अट्रैक्ट नहीं होगा भला। लेकिन इसे लेकर आपके मन में कुछ सवाल भी उठते होंगे कि आखिर इतने गुलाब के फूल आते कहाँ से हैं? क्या इनकी खेती होती है? ये कितने रंगों में पाए जाते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं, वगैरह वगैरह, है ना? तो फिर आप बिल्कुल सही ठिकाने पर है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको रोज से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और खास बात, आप इसे अपने घर पर भी उगा सकते हैं। तो चलिए आपको रोज से जुड़ी सभी सीक्रेट बातों के बारे में बताते हैं। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ रोज। नॉर्मली ज्यादातर लोगों को रेड और पिंक कलर के रोज के बारे में ही पता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया भर में रोज की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिसके आधार पर उनका रंग और खुशबू भी अलग अलग होती है। ऐसा माना जाता है कि रोज की प्रजातियां लगभग 150 के आसपास है, जो कि अलग अलग रंग और खुशबू के आधार पर कैटेगराइज किए जाते हैं। साथ ही खास मिट्टी और एनवायरनमेंट में ग्रो करने की वजह से भी इनको अलग अलग प्रजातियों में बांटा जाता है। इतना ही नहीं, आजकल तो फूलों को भाई हाइब्रिड बनाने का दौर है, तभी तो गुलाब की इन प्रजातियों में से हजारों हाइब्रिड रोज तैयार किए जाने लगे हैं। ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आप किस रोज को अपने घरों में लगा सकते हैं और किसे नहीं। इसके अलावा इसकी खेती करने के लिए भी इसकी स्पीशीज और टाइप्स का पूरा ख्याल रखना जरूरी होता है, ताकि इसकी खेती के लिए जरूरी इंतजाम किया जा सके। 3 मेन कैटेगरीज ऑफ रोज। दूसरे फल फूल की तरह गुलाब की खेती के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानना काफी जरूरी होता है, चाहे आप इसे अपने घर के बगीचे में प्लांट कर रहे हो या बड़े लेवल पर इसकी फार्मिंग कर रहे हो। खास तौर से रोज स्पेशलिस्ट इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि ठीक तरीके से इनकी खेती करने के लिए या घरों में इन्हें प्लांट या ग्रो करने के लिए कुछ फैक्चुअल बातों पर गौर करना होता है। ज्यादातर रोज स्पेशलिस्ट रोज को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, जिनमें वाइल्ड रोज, ओल्ड गार्डन रोज और मॉडर्न गार्डन रोज आते हैं। तो चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ रोजेस के बारे में जानने से पहले इसकी कैटेगरीज को डिटेल में जान लेते हैं कि इन कैटेगरीज में कौन कौन से रोज आते हैं और इनकी क्या खासियत है। इसके बाद हम आपको एक एक करके सभी रोज के बारे में डिटेल में बताएंगे। मॉडर्न रोज। जो लोग रोज के शौकीन होते हैं वो बाजार पर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो तो अपने घर को ही रोज गार्डन बना लेते हैं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें रोज का काफी शौक है। ऐसे लोग अपने घरों के बगीचों में या छत पर ही गार्डनिंग करने लगते हैं। आज के दौर में ज्यादातर गार्डन में मॉडर्न रोज ही देखने को मिलते हैं। बताया जाता है कि 19 सेंचुरी में इनकी वैरायटीज बढ़ने लगी। हालांकि ओल्ड गार्डन रोज की तुलना में मॉडर्न रोज खास सीजन में ही खिलते हैं और इस साइज में बड़े भी होते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनमें ओल्ड गार्डन रोज के कंपैरेटिवली हार्डीनेस, फ्रेग्रेंस और डिजीज रेजिस्टेंस कम होता है। इसी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। बावजूद इसके ज्यादातर लोगों के गार्डन में मॉडर्न रोज देखे जा सकते हैं और इन्हें मोस्ट कॉमन रोज माना जाता है। ओल्ड गार्डन रोज। ओल्ड गार्डन रोज काफी सालों पहले से चले आ रहे हैं, यही वजह है कि इन्हें हेरिटेज या हिस्टोरिक रोज के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इनमें काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसकी वजह से लोग इन्हें खूब पसंद करते हैं। इसके अलावा ये डबल फ्लावर्ड और हाईली डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं, यानी खराब मौसम और कीड़े में खुद को बचाने में केपेबल होते हैं। इस तरह के रोज की खासियत ये है कि ये एक सीजन में एक बार ही खिलते हैं। वाइल्ड रोज। रोज की दुनिया में इसे वाइल्ड फ्लावर के नाम से जाना जाता है। इस तरह के रोज की खासियत ये है कि इन्हें हाइब्रिडाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि इस कैटेगरी के रोज का किसी दूसरे प्लांट्स के साथ क्रॉस ब्रीड नहीं किया जा सकता।
ये ज्यादातर पिंक कलर के ही होते हैं। व्हाइट या रेड कलर का वाइल्ड रोज देख पाना मुश्किल ही है, हालांकि रेयरली ही ये येलो कलर के देखे जाते हैं। समय के साथ साथ लोगों में गार्डनिंग का ट्रेंड भी बढ़ रहा है। अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकाल कर लोग इस काम में भी रुचि लेने लगे हैं। बिजनेस ना सही, पर बहुत से लोग शौकिया तौर पर गार्डनिंग करना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक है और गार्डनिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो रोजेस के बारे में थोड़ी जानकारी आपको काफी हेल्प कर सकती है, क्योंकि बाग में अगर गुलाब ना हो तो फिर बाग बाग नहीं रहता। तो चलिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रोज के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो शायद आपके लिए काफी काम का हो सकता है। क्लाइंबिंग रोज। क्लाइंबिंग रोज मॉडर्न रोज की कैटेगरी में आता है। हालांकि इनके पौधे काफी लंबे होते हैं और फूल भी काफी बड़े होते हैं, लेकिन इनमें डालियां नहीं पाई जाती है, बल्कि ये किसी दीवार, खम्बे या बैम्बू के सहारे ऊपर बढ़ते रहते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनमें काफी ज्यादा संख्या में फूल लगते हैं। इसके अलावा ये कई बार छोटे छोटे ग्रुप्स में ग्रो करते हैं, जो देखने पर किसी गुलदस्ते की तरह लगते हैं। इंग्लिश रोज। अगर आप किसी ऐसे रोज की तलाश कर रहे हैं जो कि बेहद स्ट्रॉन्ग स्मेल देता हो, उसमें डिजीज रेजिस्टेंस हो और दिखने में भी खूबसूरत हो, तो फिर आपकी तलाश यहाँ खत्म हो सकती है, क्योंकि इंग्लिश रोज में ये सारी खूबियां है, जो कि अलग अलग कलर्स में भी अवेलेबल होता है। हालांकि इसे काफी केयरफुली प्लांट करना होता है और इसकी देखभाल करनी होती है। इसके पौधे झाड़ीदार होते हैं, इन्हें आप गार्डन या कंटेनर में भी लगा सकते हैं। फ्लोरीपंडा रोज। मॉडर्न रोज कैटेगरी के फूल क्रॉस हाइब्रिड रोज होते हैं, जो कि हाइब्रिड टी और पॉलियंथा रोज के क्रॉस से तैयार होते हैं। हालांकि इनमें ज्यादा सेंट नहीं पाया जाता, लेकिन इनके कुछ और नए ब्रीड्स बनाए गए हैं, जो कि बहुत खुशबूदार होते हैं। जनरली ये क्लस्टर में ही खिलते हैं और लंबे समय तक के लिए रहते हैं। ग्रैंडिफ्लोरा रोज। दूसरे रोजेस की तरह ही ग्रैंडिफ्लोरा रोजेस को सरवाइव करने के लिए मेनली सनलाइट की जरूरत होती है। इसके अलावा इनके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल की जरूरत भी पड़ती है, जिससे कि ये सही तरीके से ग्रो कर सके। रोजेस के लिए फोलियार डिजीज को बड़ा खतरा माना जाता है, वही ग्रैंडिफ्लोरा रोज काफी ससेप्टेबल होते हैं, इसीलिए इसे काफी केयर की जरूरत होती है। ये पर्पल, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, पिंक और येलो कलर में भी पाए जाते हैं और ये खुशबूदार भी होते हैं। ग्राउंड कवर रोज। इन श्रूबी रोजेस को लैंडस्केप रोजेस भी कहा जाता है। हालांकि ये साइज में लगभग 3 फीट तक बड़े होते हैं, लेकिन काफी फैले हुए होते हैं, जिससे ये किसी कलरफुल कारपेट की तरह लगते हैं। सभी रोजेस की तरह ग्राउंड कवर रोजेस भी सनलाइट में काफी ग्रो करते हैं। जनरली इन्हें गार्डन में लगाना ही प्रेफर किया जाता है। चाइना रोजेस। चाइना रोजेस ओल्ड गार्डन रोजेस कैटेगरी का रोज है, जो सालों से ईस्ट एशिया में कल्टीवेट होते आ रहे हैं। चाइना रोजेस दूसरे ओल्ड गार्डन रोजेस के मुकाबले कम खुशबूदार और साइज में भी छोटे होते हैं। इन फूलों की खासियत ये है कि बढ़ते समय के साथ इनका कलर भी डार्क होता जाता है, जबकि दूसरे फूलों का कलर फेड होता है। डेमस्क रोजेस। चाइना रोजेस की तरह ही डेमस्क रोजेस भी ओल्ड गार्डन रोजेस की कैटेगरी में ही आते हैं, मगर ये काफी खुशबूदार होते हैं। इसके अलावा जहाँ समर डेमस्क एक बार खिलते हैं, वही ऑटम डेमस्क चारों सीजन में खिलते हैं। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये कही जाती है कि 13th सेंचुरी में इस फूल को मिडिल ईस्ट से यूरोप लाया गया था, इसी वजह से इसे हिस्टोरिक रोज भी कहा जाता है। टी रोजेस। ऐसा माना जाता है कि ओल्ड गार्डन रोजेस के ग्रुप में आने वाले इन रोजेस का ओरिजिन चाइना में हुआ था। ये रोजेस कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बड़े होने पर इनकी पंखुड़ियां पीछे की तरफ मुड़ जाती है। खास बात यह है कि इनकी पंखुड़ियां हर्बल टी की तरह इस्तेमाल में लाई जाती है। जनरली ये येलो कलर के होते हैं, लेकिन पिंक और व्हाइट कलर में भी पाए जाते हैं। वाइल्ड प्रेरी रोजेस। वाइल्ड प्रेरी रोजेस वाइल्ड रोजेस के ग्रुप में आते हैं, जो कि कोलोराडो के अरकानसस रिवर के पास स्थित प्रेरी के वुडलैंड्स और सवाना के मैदानों के अलावा भी कई जगहों पर पाए जाते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए क्लाइंबिंग सपोर्ट और सनलाइट की जरूरत होती है। हालांकि ये सूखा झेल सकते हैं, लेकिन वाटरिंग और वेल ड्रेन्ड सॉइल प्रोवाइड करने से ये काफी अच्छे से ग्रो करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे